वहीं देखिए सभी जगहों पर मतदान चल रही है। बात सिंदरी की कर लेते हैं तो सिंदरी में भी मतदाता काफी उत्सुक दिखे और बढ़ चढ़ करके मतदान कर रहे हैं। इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी अनिकेत ने, देखिएगा। के मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और मैं हूं अभी सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के 286 बूथ संख्या और 287 जहां पर मतदान कर्मी जो है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, उनसे जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बार वो किन मुद्दों को लेकर के इस बार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ समझ के वोट देना है और पिछले 5 सालों से हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ उन्नति मैंने देखा नहीं है, तो इस बार बदलाव करना है, चेंज करना है और उसी के मुद्दे पे क्या कुछ सोच करके वोट देने आए इस बार? इस बार देश मेरा संकट में है सर, पाकिस्तान क्या कर रहा है, देख लीजिए बांग्लादेश। विधानसभा देना है सर, विधानसभा में मजबूत होना चाहिए हाथ। अगर विधानसभा में मजबूत हाथ नहीं होगा तो केंद्र क्या कर सकता है? केंद्र अगर विधानसभा में हाथ मजबूत होगा तो केंद्र उखाड़ के फेंक देगा विदेश को। मेरा विकास चाहिए तो कैसा विकास चाहिए? जनता का विकास नहीं, खाली मेरा विकास नहीं, पूरा देश का विकास चाहिए। आपकी बातों से लग रहा है जो केंद्र में सरकार उसका सरकार झारखंड में भी होना चाहिए। हाँ एकदम पक्का होना चाहिए, तो फिर मेरा मजबूत कैसे होगा मेरा उधर केंद्र का सरकार? जब मजबूत नहीं होगा तो आदमी जब हिंदू को क्या कर रहा है? देख लीजिए बांग्लादेश को, देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इसको उनको मारा जा रहा है। देख लीजिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, देख लीजिए कल ममता बनर्जी का यहाँ मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, कितने बड़े बड़े घटने घट रहे हैं। अगर एकजुट नहीं होंगे तो फिर कैसे काम होगा? मेरा संकल्प है एकजुट होना, ये कोई पार्टी से मतलब नहीं है, पार्टी कौन बढ़िया है उसको देख करके एकजुट होना है। एकजुट के लिए मैं मतदान करने आया हूँ कि केंद्र मेरा एकजुट रहे तो मेरा साहस रहेगा, मेरा हिम्मत रहेगा, हर आने वाला दिन में हर बल बच्चा का एक हिम्मत रहेगा कि ना मेरा केंद्र सरकार विदेश से भी लड़ सकता है। जो अच्छा अच्छा मैंने साइंस लेकर वो आया हुआ है और वो साइंस हम लोग भी ले रहे हैं ताकि हमारा देश का भविष्य जो है कि अच्छा से अच्छा रहे। केंद्र कमजोर हो जाएगा, यहाँ हम एक वोट डालेंगे वो केंद्र पर जाएगा सर, वो केंद्र पर जाएगा उसका मजबूती आएगा, वो आज लड़ेगा। और देखिए इसको उनको क्या हो रहा है, हिंदू का क्या हो रहा है हाल, देश में देखिए, मोबाइल पे देखिए, हर चीज पे देखिए, हम भूल अगर एक भूल कर दे केंद्र कमजोर हो जाएगा। सर धन्यवाद। इस बार आप वोट देने के लिए आए हैं? वोट देना तो कर्तव्य है एक, हाँ इसीलिए वोट दे रहे, बाकी देखा जाए जो पार्टी जो समझे। कुछ क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, विधानसभा चुनाव जो होता है क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के होता है, क्या 5 सालों में जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वो विकास हो पाया? 5 सालों में तो कुछ तो हुआ नहीं है, तो हाँ कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि 5 साल में देखा जाए तो 2 साल कोरोना में चला गया, लॉकडाउन में चला गया, अब देखते हैं इस बार क्या होता है। आपके मुद्दों को लेकर किस बार वोट देने आए? कुछ नहीं, हम मेरा कुछ नहीं, कुछ नहीं बोलने। और भी कुछ लोग क्या सोच करके इस बार वोट देने आए? बेरोजगारी दूर हो, ये सोच के हम वोट देने आए हैं। बहुत नौजवान बेरोजगार हो गए हैं जिसको भविष्य के लिए कोई सोचता भी नहीं है, इसीलिए हम आए कि थोड़ा इस बार बेरोजगार को रोजगार मिल जाए। आप क्या सोच कर किस पर वोट देने आए? 5 सालों में विकास हुआ इस क्षेत्र का अगर बात करें तो? अब क्या करेगा बेचारी, उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में है, इस बार विकास करेगा वो? विकास करेगा, हाँ उम्मीद तो है, उम्मीद है। कुछ और लोग भी है उनसे भी जुड़ेंगे कि आखिर क्या सोच करके इस बार वो वोट देने के लिए आए, क्या सोच करके वोट देने आए हैं? क्षेत्र का विकास हुआ है 5 साल में? नहीं हुआ विकास, नहीं हुआ है विकास, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं इस बार? इस बार बदलाव लाना चाह रहे हैं, बदलाव लाना चाह रहे हैं जी। हाँ जी, कुछ और लोग भी क्या सोच करके वोट देने आए हैं? रोजगार होना चाहिए, रोजगार सबके लिए, जो पढ़ने वाला लड़का है, पढ़ने वाला लड़का है। चलिए कुछ और लोग भी है उनसे भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि इस बार क्या कुछ सोच करके वो वोट देने के लिए आए हैं। यहाँ पर क्या सोच करके आए इस बार वोट देने के लिए? यहाँ पे सबसे मुख्य मुद्दा है रोजगार और मूलभूत समस्याओं को लेकर के, और यहाँ पे सबसे बड़ा जो समस्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे आवाजाही जो है बड़े बड़े वाहनों का लगातार होते रहता है, जिससे बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं यहाँ देखने को मिली है, और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लगातार बड़े बड़े वाहन 10 चक्का 20 चक्का गाड़ी यहाँ पे आते जाते रहती है, जिससे धूल और डस्ट का आप घर का एक कोना को भी टच करिएगा तो डस्ट और धूल से भर जाती है। और सबसे बड़ा चीज है कि आपको चाहे आप कितना ही मिन्नत से घर को बनाए, आपको घर में दरार देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ा समस्या है कि लगातार अंधाधुन तरीके से, अवैध तरीके से गाड़ियों का आवाजाही होती रहती है, और उसके साथ ही यहाँ के लोग जो है एक्सीडेंट का भी बहुत बड़ा समस्या यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सरकार मूलभूत समस्याओं के साथ जो हमारे ये सिंदरी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे लोगों को देखना चाहिए कि अवैध तरीके से जो गाड़ियां जाती है, ठीक है, उससे लोगों के घर में दरार आते रहती है, लोग इन पर कभी बात नहीं करते, इन मुद्दों पर। आप जाइए कुसमाटार मोड़ में, कुसमाटार मोड़ में जो बैरियर बना था उसको भी तोड़ के निकल गया, लेकिन उस पर ना तो यहाँ की स्थानीय जो लोग है उस पर बात करते हैं,
और ना ही यहाँ के लोग बात करना चाहते हैं। जो बात करते हैं उनको शांत कर दिया जाता है। तो इन सब चीजों पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि स्थानीय लोग इस पर चुप्पी साधे बने रहते हैं। सिंधरी विधानसभा क्षेत्र में और एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो है विस्थापन का प्रॉब्लम हो चाहे पलायन का प्रॉब्लम हो। हाँ, विस्थापन और पलायन पे सरकार को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इसका कुछ अलग वैकल्पिक समाधान निकल सके तो वो निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए ग्रामीण लोगों के साथ, स्थानीय प्रशासन के साथ और जिला प्रशासन, तीनों को मिलकर एक वैकल्पिक समाधान खोजना होगा, ताकि लोगों का यहाँ पे काफी दिनों से जुड़ाव बना हुआ है, अपनी मिट्टी की सुगंध के साथ जुड़ाव बना है, वो नहीं चाहते कि हम इस स्थान को छोड़ के जाए। तो इसका एक वैकल्पिक समाधान निकालना बहुत अति आवश्यक है, ताकि जो स्थानीय लोग है वो अपनी मिट्टी के साथ जुड़े रहे, क्योंकि उनका पूर्वज ही मिट्टी से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। तो ये समस्या का एक वैकल्पिक समाधान निकालना मैं समझता हूँ अति आवश्यक है, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए जो भी सरकार बने। तो मैं सभी मतदाता जो है उनसे कहना चाहूंगा कि पहले मतदान फिर जलपान, तो इससे आप जो है अपनी एक स्पष्ट जो है आप एक नीति के साथ एक सरकार को अपने विधानसभा क्षेत्र में ला सकते हैं। धन्यवाद जी। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे। क्या सोच करके वोट देने आए हैं कि हमारे साल में विकास हुआ है? अभी तक दिखा नहीं है, बढ़िया से दिखा नहीं है ना। इस बार लग रहा है कि वोट दिए, वोट दे दिए, अब देखा जाए क्या। वोट दे दिए ना, दे दिए। क्या लग रहा है इस बार 5 साल में विकास होगा? होना तो चाहिए, होना चाहिए। ये तो साफ लोगों का कहना यही है कि वो विकास को लेकर के जो है, विकास के मुद्दों को लेकर के इस बार वोट देने के लिए पहुंचे हुए। कुछ और लोग भी है, उनसे भी जुड़ेंगे। क्या सोच करके इस बार वोट देने आए हैं? 5 साल में विकास हुआ है? विकास तो जैसा होना चाहिए था वैसा कुछ विकास हुआ नहीं है, और मुद्दा यही है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर यानी कि और भी स्थानीय नीति को लेकर इस बार वोटिंग करने आए हैं। वोटिंग करने आए हैं। तो आप क्या सोच करके वोट देने आए हैं इस बार? क्या सोच कर देंगे, चलिए कुछ और लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे। क्या सोच करके वोट देने आया है इस बार? सर वोट देने आया, कुछ चेंजिंग करना है इस बार। चेंज करना है? वोट तो सालों से देते आ रहे हैं, चेंज तो हो नहीं रहा है, क्या चेंज करना है? सत्ता चेंज करना है इस बार। सत्ता चेंज करना है? सत्ता चेंज करने से विकास हो जाएगा? एकदम एकदम।